गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर जस्ट गोइंग टू द रेशनल नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर 1, एंड इन रेशनल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू डिफाइन द रेशनल नंबर 1 टू द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर इज अ नंबर in the form of P upon Q, where Q is not equal to Q. Rational number क्या होता है? Rational number वो number होता है जब हम Q upon Q के बारे में लिखते हैं. अब Q होगा यानी denominator जो होगा वो zero polynomial. Clear? It can be in the form of positive also. It can be a positive integer or negative integer. ये positive integer भी हो सकता है. जो रेशनल नंबर है वो positive integer भी हो सकता है और negative integer भी हो सकता है. For example, -3/2, -7/5. Properties of rational number. Properties of rational number. First property is commutative property. Commutative property होती है वो under addition होती है. और दूसरा under multiplication. अगर हम under addition की बात करें तो यहाँ पर हमें पता चले a1b and c1d तो एडिशन में क्या होगा? अगर हम a अपॉन b प्लस c अपॉन d करते हैं तो हमको क्या होगा? c अपॉन d इक्वल्स टू c अपॉन d प्लस c अपॉन d एंड द आंसर विल बी c. ओके, फॉर एग्जांपल if I'm taking that 0.5 plus 0.5 0.4, so I can write this 0.4 plus 0.5. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 plus 5 = 15
तो यहाँ पर हमारा एनएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये हमारा क्या है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसी तरीके से कम्युटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ओके, नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3 2 अपॉन 7 सॉरी इक्वल टू, हमने यहां पर लिखा 2 अपॉन 3 प्लस
multiplication. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम नंबर देंगे, जैसे कि हमने दिया 2/5 इंटू अंदर दिया हमने 3/7 इंटू 762 यहाँ पर 7 है तो हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन
क्वेश्चन है इसी टाइप में होगा, वहाँ पर हमारे आइडेंटिटीज लगेंगे, जहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेंगे उसको हमें आइडेंटिटी लग रहा है, जहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी वहाँ पर आइडेंटिटी भी लग रहा है। ओके plus 5.1
हमने बनाया ब्रैकेट और हमने क्या किया, बी अपॉन सेवन प्लस माइनस एट अपॉन 21 एक ब्रैकेट में बीच में हमारा प्लस और दूसरा ब्रैकेट बनाया, दूसरा ब्रैकेट क्या मिलेगा माइनस सिक्स अपॉन 11 प्लस 5.2। ओके अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने ऐसा क्यों किया है, हमने यही किया इसके लिए। इसका रीजन ये है कि देखिए एलसीएम देखिए आप डिनोमिनेटर, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 21, यहाँ पर 11 है यहाँ पर 22, तो ये दोनों सेम टेबल में आते हैं और ये दोनों सेम टेबल्स में है। अगर सेम टेबल्स में ऐसा ना हो सेम टेबल में एग्जिस्ट ना कर रहे हैं तब हम वहाँ पर कोई ऐसे पेयर लेंगे जो कि इवन और ऑड के सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लेंगे 7 और 21 का, अगर आप एलसीएम लेते हैं कितना होता है और 21 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 21 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया 21, अब देखिए 7 प्लस 21 बिटवीन द 9 प्लस माइनस माइनस और 8 ये हमारा पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर एलसीएम का होता है 32 तो माइनस 6 सॉरी माइनस 12 प्लस 5 ओके। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आया 1/21 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया माइनस 12 से 5 में 5 माइनस किया तो कितना आया माइनस 7/21। अब हम यहाँ पर 21 और 22 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेते हैं तो 22 21 हमारा होता है 462। ठीक है 21 है यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 है 21 है 7 कितना होता है 7 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
आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूव किया था, क्लियर। और वैसे ही अगर रोल ऑफ वन यहाँ पर हम बताते हैं, तो कोई भी नंबर जब वन से मल्टीप्लाई होता है तो हम लिखते हैं ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए, आंसर विल बी ए। आंसर क्या होता है हमारा, ए होता है। इनको नोट कर लें, अगर होता है कि a upon b का रेसिप्रोकल क्या होगा, a upon b का रेसिप्रोकल होगा b upon a, और आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, वन। ये आइडेंटिटी है, मॉडुलस रेसिप्रोकल में आंसर कितना होता है, वन होगा, क्लियर। अगर मैंने दिया है a upon 12 मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल
क्वेश्चन नंबर फोर हमने कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। नेक्स्ट हमारा नेम तो प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी बतानी कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। हमें ये बताना है कि जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी राइट है या
0.5 into 1 equals to 1 into minus 0.5 equals to
प्लस वन नाइन यानी माइनस नाइन। तब देखिए एट अपॉन नाइन का मान लीजिए प्लस माइनस नाइन अपॉन एट है। अगर हम देखें एट अपॉन नाइन माइनस नाइन अपॉन एट हमारा माइनस, तो यहाँ पर इनवर्स नहीं हो सकता क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए हमारा वन आना चाहिए। सो व्हाट विल राइट माइनस नाइन अपॉन एट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एट अपॉन नाइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस नाइन अपॉन के नहीं। सिमिलरली एट और नाइन नाइन डेसिमल में कौन सा बता देता हूँ कि डेसिमल में शायद आप कंफ्यूज हो जाए और आपको प्रश्न कर के क्या होता है जीरो पॉइंट एट। अब हमें देखना है कि दूसरा नंबर कहता है कि वन अपॉन टी टी का नाइन नाइन प्लस वन टेन टेन अपॉन टू सॉरी यहाँ पर थ्री Thank you.
क्या हो जाएगा एच टू में ई द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही होगा क्लियर करते रहिए. ओके सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. वी विल प्रोसीड फर्दर विद एक्सरसाइज 1.2 इन न्यू सेशन.